लाइम मैं हूं डॉक्टर मजहर वारिस उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में बरकतें और आसानी आसानियाँ फरमाए आज हम शुरू करेंगे अपना दसवां से बुरज जद्दी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉन कहते हैं अगर हम इसके रूलिंग प्लानट की बात करें तो रूलिंग प्लानट इसका सैटरन जिसे जोहर कहा जाता है और हिंदी वाले से शनि भी कहते हैं और इस मंथ के अंदर हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन के, के हारोस्कोप के अंदर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि स्टार की पोजीशन क्या क्या है इस मंथ के अंदर एक तो शरफ़ कमर है दो अप्रैल को इस वक्त और शरफ शम्स भी होगा आठ अप्रैल को कमर दर अक्रब होगा सत्रह अठारह उन्नीस अप्रैल को और अतारत बुरज में दाखिल होगा ग्यारह अप्रैल को और मरीख पंद्रह अप्रैल को बुरजे हौद में दाखिल होगा और सात अप्रैल को जहरा जो है ये बुरजे हौद के अंदर दाखिल होगा और तीस अप्रैल को शरफ जहरा और तीस अप्रैल को सूरज ग्रहण भी होगा ये इस महीने के जो प्लानटरी पोजिशन है और अब हम शुरू करते हैं कि जद्दी वाले अफराद के हरोस्कोप के अंदर क्या चीज़ें नज़र आती हैं अगर हम बात करें तो इनके हरोस्कोप के अंदर अ uh, सबसे पहले अगर हम देखें इनका एसेंडर लॉर्ड जो सैटरन से, से, है सेटरन के साथ मार्स वीनस ये मौजूद हैं इनके सेकंड हाउस में एक तो इनके लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे uh, किसी भी वजह से कोई माली प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अनस्टेबिलिटी है तो यहाँ पर इनको इसका बहुत uh, फ़ायदा होने जा रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन इनकी जो है ये बहुत बेहतर होने जा रही है इनकी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है और अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ नज़र आता है इसमें आप ये डिसीजन ले सकते हैं और अगर इनके इम्पोर्टेंट नेचर के कोई प्रोजेक्ट्स कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इस हवाले से देखें तो ये मंथ इनके लिए एक अच्छा मंथ साबित होगा अगर आ, आप इस तरह के कोई स्टेप लेते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म हो चार साल पाँच साल चलने वाले हों उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होता हुआ नज़र आ रहा है और अगर हम बात करें इनकी हेल्थ की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है सेकेंड हाउस में भी है वीनस भी साथ मौजूद है तो ऐसे कैप्रिकॉन जिनकी हेल्थ के प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको इन ये मंथ बहुत सपोर्ट करेगा उनकी हेल्थ की रिकवरी या अगर डिज़ीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही तो उस हवाले से भी ये आपको इनशा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा डिज़ीज़ डायग्नोज होगी डिजीज़ के अंदर कमी होती नज़र आ रही है रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है अब हम बात करते हैं इनकी कंट्रैक्ट साइन करना और विद इन कंट्री ट्रैवल करना और कम्यनिकेशन रिलेटेड कोई काम करना इस हवाले से अगर हम देखें ऐसे अफराज जो सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं वेब डिज़ाइनिंग है वेबसाइट है ऑनलाइन अर्निंग है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं ब्लॉगिंग है तो इस हवाले से इनके लिए ये मंथ मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है अगर कोई आप अपना प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं इस हवाले से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सेकंड इसमें रिटर्न में कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा विद इन कंट्री ट्रैवल करना विद रेफरेंस टू योर बिजनेस मैटर्स ये बहुत अच्छा नज़र आता है इस हवाले से अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स होम इन्वायरमेंट मदर्स रिलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें नजर आती हैं अब यहाँ पर सन और मार्स मरकरी ऑलरेडी मौजूद हैं मरकरी ट्रांजिट करेगा 11 अप्रैल को इनके फिफ्थ हाउस के अंदर वहाँ ऑलरेडी राहु मौजूद है और मरकरी इनके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी है और इनके सिक्स हाउस का भी कम्बाइंड लॉर्ड है तो यहाँ पर इनकी आ, फना इसमें प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के मैटर्स इनके अच्छे नज़र आते हैं प्रॉपर्टी सेल करें प्रॉपर्टी परचेज करें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई डिसीजन लेते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है तो इन उसको शुरू कर सकते हैं और वो काम आपका पाया तक मिल तक पहुँचेगा इस हवाले से ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है वालदा से रिलेटेड मैटर्स उनकी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स अच्छे होने जा रहे हैं घर के माहौल के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इन वो सोलूशन की तरफ आप जाएंगे हम हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की एजुकेशन के हवाले से देखें वीनस जो है इनके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और ये इनके सेकेंड हाउस में मौजूद है और ये सात अप्रैल को ये ट्रांजिट करेगा इनके थर्ड हाउस में और यहाँ पर ऑलरेडी जपिटर मौजूद है जपीटर और वीनस दो बहुत अच्छे जिनको सात सितारे माना गया है यानी कि बेनिफिशियल प्लैनेट्स तो इस हवाले से इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है स्पेशली अगर आप कोई एजुकेशन के हवाले से डिसीजन लेते हैं कोई एडमिशन के हवाले से या फिर आपका कोई एग्ज़ाम होता है उसका कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा रहेगा और अगर मैं बात करूँ इनके मोहब्बत के मामला मोहब्बत के मामला के हवाले से भी ये टाइम पीरियड इनके लिए मुझे अच्छा नज़र आता है इस टाइम पीरियड को फोकस कीजिएगा और आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की मैरिज के परस्पेक्टिव में देखें तो जुपिटर जो है वो आपके सेवनथ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है और वीनस सात अप्रैल से ये भी यहाँ पर ट्रांज़िट करेगा और ये भी आपके सेवन हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके जो शादी के हवाले से मामला तय करने कोई डेट फिक्स करना निकाह करना मंगनी करना इस हवाले से ये बहुत अच्छा रहेगा लेकिन आपने सत्रह अठारह उन्नीस अप्रैल छोड़ देना है ये टाइम पीरियड क्योंकि ये कमर दर अक्रब है और इसमें इस हवाले से कोई भी पॉजिटिव काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया जुम के नुक़ नज़र से और अगर हम बात करें इनकी बिज़नेस की बिजनेस मैटर्स में इनकी डिवेलपमेंट होने जा रही है सात अप्रैल के बाद जुपिटर वीनस कंबाइन uh, होंगे बहुत ही पॉजिटिव कम्बिनीशन बनेगा यहाँ पर और ये चीज़ें इनके लिए बहुत पॉजिटिव uh, होंगी जो बिज़नेस कर रहे हैं जो पार्टनरशिप uh, के अंदर काम कर रहे हैं और या जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा uh, जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है अब हम बात करते हैं इनके फॉरेन uh, में ट्रैवल वीज़ा के हवाले से इशू इमीग्रेशन के हवाले से इशूज़ या फॉर में रहते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना कोई जॉब करना इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें नजर आती है मरकरी आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और ये सन के साथ फोर्थ हाउस में यहाँ मौजूद है यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि इसको कंबस्ट मानते हैं हिंदी वाले लेकिन ये दोनों मरकरी जो है ये सन के साथ या उससे आगे या पीछे इसी पोजीशन में रहता है तो इस हवाले से अगर हम देखें कि फॉरेन में इनका ट्रैवल फॉरेन में ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है और जो ऑब्जेक्शन वग़ैरह हैं वो इन 11 अप्रैल के बाद वो दूर होना शुरू हो जाएंगे और उसका आपका ट्रैवल भी नज़र आ रहा है और अगर आप अपनी कोई एप्लीकेशन और इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई केस मूव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये ग्यारह अप्रैल के बाद का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा सत्रह अठारह उन्नीस का छोड़ दीजिएगा टाइम पीरियड बाकी में आप कर सकते हैं और अब हम बात करते हैं इनके जॉब की कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वीनस इनके दसवें घर का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में पड़ा है यहाँ पर इसकी पोजीशन और सैटर्न के साथ भी है सैटर्न फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है और इसमें वीनस जो है ये फिफ्थ और टेंथ का कम्बाइन लॉर्ड है यानी किन्दर और तरकोम ये कंबाइंड इनका लॉर्ड है योग कारक है तो यहाँ पर सेकंड हाउस में होना आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अर्निंग रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अपग्रेडेशन प्रमोशन हायर आपको रैंक के अंदर तरक्की मिल जाना अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाना ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं और ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आता है आपके इस मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना ख्याल रखिएगा खुदाफी